नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो गाइज, आज हम आपको दुनिया के सबसे आसान तरीके से भगवान श्री हनुमान जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से पहले 9 पॉइंट लगाना होगा। हमने ऑलरेडी 9 पॉइंट लगा लिया है दोस्तों। फिर इस वाले पहले वाले पॉइंट से आपको ऊपर की तरफ एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा और इसको लाकर यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट के साथ मिलाना होगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, यहाँ से बढ़ाइए और इस पॉइंट के साथ मिला दीजिएगा। हम आपसे बार बार कहते हैं दोस्तों, आप हमारे साथ ही बनाते रहिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी हनुमान जी का चित्र बनाने में। यहाँ से आप ऐसे आर्क लगाइएगा, इसको डबल कर दीजिए। एक बार हम फिर से ऐसे रिपीट करेंगे, फिर यहाँ से बहुत ही आसानी से इसको भी मिला दीजिएगा। यानी कि 1, 2, 3, 4 बार आपको ऐसे करना होगा। फिर दोस्तों इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ से भी ऐसे आगे की तरफ हम बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इस वाले पॉइंट से आपको हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर ऐसे मिलाना होगा। सेम हम यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। और दोस्तों आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है हनुमान जी किन भगवान के बहुत बड़े भक्त थे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से आपको एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना है, एक लाइन इधर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, नीचे की तरफ बढ़ाइएगा और यहाँ पर ऐसे कर देंगे। यानी कि आपको इधर वी लेटर लिखना होगा, छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर भी आप आसानी से लगा दीजिएगा। छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आप इधर ऐसे बढ़ाइएगा, इसको डबल करना होगा। यहाँ से भी आप ऐसे डबल कर देंगे। फिर दोस्तों इस वाले सिरे से आपको एक बड़ा सा आर्क लगाना होगा, यहाँ पर ऐसे मिलाना होगा। छोटी सी लाइन इधर, एक लाइन आप इधर बढ़ाइएगा, इसको भी हमें डबल करना होगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे आसानी से रिपीट कर दीजिएगा। एक बार इधर, यहाँ पर भी ऐसे बढ़ा दीजिए। तो एक बड़ा सा मुकुट बनाना होगा आपको। एक लाइन ने हल्का सा बाहर के साइड में करेंगे, ऊपर की तरफ आप वी लेटर लिखिएगा, छोटा सा सर्किल आप बना देंगे। इस तरह आपको हनुमान जी का मुकुट बनाना होगा। मुकुट बनाने के बाद ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ से इस बीच वाले पॉइंट से आपको इधर ऐसे आईब्रो बनाना है, इधर भी आप ऐसे आईब्रो बना दीजिएगा। यहाँ पर बढ़ा देंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देंगे, यहाँ से हल्का सा ऊपर करना होगा आपको। फिर दोस्तों हनुमान जी का आपको आई बनाना है, इधर से ऐसे बढ़ाएंगे, यहाँ से बढ़ाइएगा, नीचे की तरफ इधर करेंगे। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करके एक सर्किल बनाइएगा, ऐसे डार्क कर दीजिएगा। डार्क हो जाने के बाद यहाँ से एक लाइन आप इधर ऐसे बढ़ाएंगे, एक यहाँ पर भी ऐसे लाइन को बढ़ाइएगा। बाहर की तरफ आप इधर ऐसे करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे। फिर दोस्तों ये वाला सिरा आप ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाते हुए ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आपको यहाँ से देखिएगा, इधर से ऐसे ले जाना होगा। इस साइड भी, इस पॉइंट को आप टच मत करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, अंदर की तरफ करेंगे। फिर आपको दोस्तों यहाँ से ऐसे अंदर करना होगा, इसको मिलाना होगा। ये वाला सिरा इधर से लाइन बढ़ाएंगे, इधर ले जाइएगा, ये हो गया। आपको इस तरह बना देना होगा। फिर दोस्तों हल्का सा बाहर के साइड में करते हुए यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, इधर से आप नीचे की तरफ मिलाएंगे। आपको बनाना है हनुमान जी का ईयर, तो इधर बढ़ाइएगा, यहाँ से आप इधर ऐसे बढ़ाएंगे और इस पॉइंट की हेल्प से आपको ईयरिंग बना देना होगा। यहाँ से भी ऐसे ईयरिंग बना देंगे, छोटा सा सर्किल बनाइए, एक सर्किल आप इधर भी ऐसे बना देंगे। अब दोस्तों इस सर्किल के जस्ट बगल से ही, यानी ईयरिंग के बगल से ही आपको हनुमान जी की दाढ़ी बनानी होगी। यहाँ से अंदर बाहर की तरफ करते हुए आसानी से आप मिला दीजिएगा। यहाँ हल्का सा बाहर की तरफ करेंगे, इनका नेक बना दीजिए, ये हो जाएगा। नीचे की तरफ आप ऐसे आसानी से बढ़ा देंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर हनुमान जी की जय भी आप ज़रूर लिखिएगा। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ से भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ऊपर के साइड से हमें यहाँ हल्का सा अंदर बाहर, ये हो गया हनुमान जी का हेयर। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा, यहाँ से बढ़ा दीजिए। ये वाला सिरा आप नीचे की तरफ करते हुए
यहाँ से ऐसे ऊपर के साइड में मिलाएंगे। फिर आपको यहाँ पर डबल करना होगा, डबल हो गया, छोटा सा सर्किल इधर, इसको डबल करेंगे, एक लिप्स बनाएंगे, फिर से सर्किल बना दीजिए, यहाँ से डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको हल्का सा बाहर करिए और डबल लाइन ड्रॉ करिएगा। अब आपको हनुमान जी की बड़ी सी पूंछ बनानी होगी। देखिए कैसे करना है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ घुमा दीजिएगा। फिर चाहे तो आप यहाँ पर ऊपर के साइड से ऐसे एस लेटर भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ से नीचे के साइड से लिया था, इसको डबल करना होगा, बहुत ही ध्यान से डबल करिएगा। ये हो गया हमारा डबल। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी बहुत ही आसानी से श्री हनुमान जी का चित्र बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए गाइज अब हम हनुमान जी को कलर भी करना सीख लेते हैं।